वाले हैं भैया, और मेरे भाई को दो दिन से प्लानिंग से शहरियों में बुला रहे थे, शहरी में मंदिर खाने जाएंगे करेंगे बोल के दो दिन से बुला रहे थे। उनका कुछ बच्ची के साथ चक्कर है बोल के सुने, उसके साथ भाइयाँ हैं, उसके प्लानिंग से तीन दिन से बुला के दो दिन से बुलाए, आज काम पे से बुला के उसको उसके ऊपर जानलेवा हमला करे, उसको ऐसा बुला के हम आपको समझाए करें नहीं, तुम्हारे भाई को तीन बच्चे हैं, देखो हमारी बच्ची बहन बैठ ले रहे वो है बोल के समझाए करें नहीं, ऐसा वार करे उसको जान पे आ गई उसके, उसको समझाते अगर उसको एक हम कुछ धमकी देते कुछ करते तो उन्हें हम समझा लेते थे होंगे, उसकी ऐसा मारे कि आज उन्हें सीरियस कंडीशन पे वेंटिलेटर पे हमारा भाई। अब ये जो भी पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले आए बहादुर पे के कंप्लेंट लेके गए, ये गोल्डन पैलेस खाने मार के किशन बाग पार करे डाले कहते, अब ये कैमरा चेक करके क्या है, ये बच्चे 24 में रहते कहते कोई भी आई टी ऑफिस खाने बोल रहे, ये बच्चों को पकड़ के हमारे इंसाफ होना, अगर हमारे भाई को कुछ हो गया तो इसके छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, मेरे अम्मी की हालत की बेहाल है, हमारे अम्मी हमला किशन बाग के पुराने हैं, किसी का कुछ बिगाड़े नहीं, मेहनत करके जो भी है वहाँ लेबर इज करते ज्यादा परमानेंट काम नहीं है उसका, मर की छोटा ने कम उम्र है उसकी 23 साल की उम्र है, समझाना ना भैया बुला के बैठ के बात करते थे ना, और ऐसा मारे कि उसकी वेंटिलेटर पे चले गए, उसके चांस नहीं है बल्कि बहुत सीरियस है भाई हमारा। सुने ये चेक करके पुलिस वाले है, ये मीडिया है, ये गली गली फैला के ये कौन बच्चे है, क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम मोहम्मद शर्फ है, उसकी उम्र 23 साल है। अच्छा, तो आप लोगों को पहले ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ? पहली बार परसों 3 बजे बंदी खाने दोस्तों बुला रहे बंदी लेके गया, तो इतने दिन रमजान शुरू हुए जब से नहीं गया ना भाई, इसकी 7 तारीख को बर्थडे भी थे तो हम लोग ऐसा जा रहा शायद समझ के परसों की रात में गया, कल रात में गया, आज 1 बजे काम पे से बुला के उसके ऊपर ऐसा हमला करे, हमला करके मार तोड़ के किशन बाग पार करे डाल के उसको प्लास्टिकों में वही लपट के बहुत डेंजर हालत कर दी उसकी। क्या टाइम हुआ ये? 4 बजे दिन का। 4 बजे इंसानियत, अगर उन्हें इंसान को पैदा हुए जानवर को पैदा नहीं हुए तो बुला के हमें धमकी देना था, अगर उसके हाथ पे मारते उसका पैर टूटता कुछ भी होता उसको भी सबक होता था हमारे को भी होता था, और हमारा भाई बैचलर नहीं है, मैं भाई की पताइत भी नहीं कर रही हूँ, चल तेरी बहन थी होंगी तो तू इंसाफ की बात हमारे से बड़ों से करता था ना, तुम्हारा 7 है कि 50 है कि ऐसा जान ले वहाँ हमला करते क्या बोला किसके। तो बच्ची कहाँ के रहने वाली है? बच्ची कोई बोल रहे 24 है, 9 नंबर 24 की है बोल रहे, कोई आई टी ऑफिस की है बोल रहे, और वो बच्ची भी यहाँ उस्मानिया दवाखाने तक आई थी, अम्मी के गुस्से से डर के चले गई, कोई में होंगे भाई ने भले, मगर कि उसका काम क्या था हम आपको बुला के समझाना करना था उसका, आज उन्हें बहुत सीरियस कंडीशन में हमारा भाई वेंटिलेटर पे लग गया, डॉक्टर कुछ उसकी वो गारंटी नहीं है बोल रहे, इसका कौन जिम्मेदारी, इसको छोटे छोटे 3 बच्चे हमारे भावच को, इन्हों भी मायके गए हुए थे, अब जो भी है पुलिस वाले आप लोग क्या करते हैं अब आपके हाथ में है। देखो भैया बच्चे कुछ, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद शर्फू है, किशनबाग की रहने वाली मैं पुरानी हूँ, 4 बजे मेरे बच्चे को मार के खून में लूट फूट पारक करने डाल दिए, ये 3-4 दिन से मिली भगत है, परसों बच्चा मेरा शहरी में आया और उसके बाद आज काम पे से बुलाए बच्चे को मेरे फ़ोन करके, मेरे बच्चे की जान पे आ गई, जान लेवा हमला करे, अभी मेरे उसको 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और मेरा बच्चा मेरा सहारा था और मेरा कोई नहीं है, मैं बोला मेरे को इंसाफ होना है मेरे बच्चे का, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरा बच्चा बहुत खून में जान चल जाती है, जान के ऊपर आ गई मेरे बच्चे की, मेरे को सुधर रहा नहीं, मेरा नाम नजमा है बोलो। मेरे शोहर का नाम मोहम्मद शर्फ है, और बोल के सो उनको मार के आज काम आ रहे नहीं मालूम, गोल्डन पैलेस के ने मारे बोल के सुने हम, और बोलते सो मार के किशन बाग पार्क ने फेंक दिए, कीचड़ में रुत रुत खून भरे हुआ था पूरा, कितना प्लास्टिक की पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नी में लपट के बन के प्रकोट करके काटना वो डाल के छोड़ दिए, और बोलते सर दूसरी बच्ची रोनकी की वो बच्ची से चक्कर शायद उनका चल रहा था, शायद उनके मारे तो उनके साथ भाया ही छोड़ सकते मारने वाले, उनके सुबह डाउट आ रहा और पूरी जान पे आ गई बात, आप लोग हमें तो इंसाफ दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों का तो भी सोच के ला, आप लोग इंसाफ करो मेरे बच्चों का, तो बिल्कुल कौन है क्या है कौन मारे क्या नहीं, आप लोग आप लोग मेरा फैसला करो, जान धोखे में जान का धोखा करो वो कर दिए। आपको किस पे शक आ रहा है ये? वो बच्ची के साथ भाया है शायद उन लोग मार सकते हैं, या नहीं तो कोई प्लानिंग करके भी मारे होंगे सर। तो आपके शोहर कभी बोले थे आपको इस ताल्लुक से? नहीं सर नहीं बोले थे, बट मेरे को ऐसा शक हुआ था।